हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर स्टोरी टाइम। पहली जो स्टोरी मैंने सुनाई थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मेरी स्कूलिंग किस तरह हुई है, हाउ आई गॉट इंटरेस्टेड इन पढ़ाई, एफएससी मैंने किस तरह की एंड हाउ आई मैनेज टू पास ईटा। और मैंने कहा था अगर इस स्टोरी पे 100 लाइक्स आ गए देन आई विल टेल यू द स्टोरी अबाउट माय मेडिकल लाइफ, कि मेडिकल कॉलेज में मेरी जिंदगी किस तरह गुजरी है ये 5 साल। सो एज द स्टोरी गॉट ऑलमोस्ट 150 लाइक्स, सो हियर वी आर विद द पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी टाइम। सो व्हेन आई क्लियर्ड ईटा, अगर वाले सारे बहुत ज्यादा खुश थे, उन लोगों ने बहुत बड़ा खैरात भी किया, रिश्तेदार भी सारे आए घर में मुबारकी देने, क्योंकि लड़के ने जो है ना बहुत बड़ा तीर मारा था। उसके साथ रिश्तेदार और गांव वालों के जो एहसासात और जज्बात थे मेरे बारे में वो जो है ना अचानक बदल गए और मैं एक ही दिन में इब्राहिम से जो है ना डॉक्टर साहब बन गया। डॉक्टर साहब की तरफ लोगों का इतना प्यार और रिस्पेक्ट है कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं मेडिकल कॉलेज में जाके पहले ही हफ्ते में सारे मेडिसिन सीखूंगा और इन लोगों का जो है ना इलाज स्टार्ट करूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि पूरे फर्स्ट ईयर में सिर्फ फिंगर प्रिक करना मैं सीखूंगा और वो भी अपनी। कॉलेज ज्वाइन करने की जो एक्साइटमेंट थी ना वो नेक्स्ट लेवल की थी और वो जो 3 महीने का इंतजार था क्लासेस के स्टार्ट होने में वो जो है ना बहुत ज्यादा मुश्किल था वो टाइम। मैं जो है ना रोज यूट्यूब पे आयुब मेडिकल कॉलेज की वीडियोज देखता था और गूगल से जो है ना मैंने पिक्चर्स डाउनलोड किए थे, उनको देख के जो है ना मैं खुश होता था कि इस जगह में जाके जो है ना आगे 5 साल गुजारूंगा। और स्पेशल शॉपिंग की थी मैंने कॉलेज ज्वाइन करने के लिए और वो जो जीन्स मैंने लिए थे वो अक्सर मैं घर में ट्राई करता था कि इसके साथ कौन सी शर्ट अच्छी लगेगी, इसके साथ कौन सी शर्ट अच्छी लगी। खैर वो टाइम तो गुजर गया बॉलीवुड की मूवीज देख के एंड फाइनली इट वॉज टाइम टू गो टू कॉलेज। अच्छा, जब मैं पिशावर से एबटाबाद जा रहा था डाइवो में तो मैंने BDQ छोटी जनरल एनाटॉमी की बुक खोली हुई थी, समझ नहीं आ रही थी अंदर क्या लिखा है लेकिन वैसे ही खोली हुई थी और मुझे फील हो रहा था कि ये जो बाकी साथ मेरे जितनी लड़कियां बैठी हुई है ये अभी मेरे साथ BD देख के जो है ना इम्प्रेस हो जाएगी और अपना नंबर किसी चीज पे लेके जो है ना मुझे बैंक देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस वक्त मुझे फील हो रहा था कि इस दुनिया का सबसे जो लायक और अकलमंद इंसान जो है ना वो मैं हूँ। हाय, कितने मासूम होते हैं ये फर्स्ट ईयर वाले। तो मैं अयूब अपने कजन के पास जा रहा था और चूंकि वो घर पे थे तो इसलिए उनके एक दोस्त ने मुझे रिसीव किया। मुझे उस वक्त डर था कि जाती ही मेरी जो है ना फूलिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वो जो भाई जानते वो तो बड़े अच्छे निकले, मुझे अपने रूम में ले जाके बिठा दिया और फिर वैसे ही जनरल क्वेश्चंस पूछने लगे, नाम क्या है, कहाँ से हो, FSC कहाँ से किया। जब मैंने बताया कि एडवर्ड्स कॉलेज से FSC किया तो भाई जान ने कहा कि मैंने तो एडवर्ड्स कॉलेज के बारे में बहुत सुना है कि बड़ा फ्री माहौल होता है और मतलब मज़े होते हैं स्टूडेंट्स के। तो मैंने कहा वैसे भी इनको नहीं पता तो मैं भी अपने कॉलेज की जो है ना रेटिंग बढ़ा देता हूँ। मैंने भी कहा हाँ, बड़ा रंगीन माहौल होता है, बड़े लिबरल किस्म के लोग होते हैं वहाँ पे और मेरे पीछे भी 2-3 लड़कियाँ पड़ी हुई थी, लेकिन आपको तो पता है मैं पढ़ाई वाला इंसान हूँ तो इसने मैंने कोई लेफ्ट नहीं कराई। लेकिन जब बाद में अकबर भाई ने मुझे बताया कि उन्होंने भी FSC एडवर्ड्स कॉलेज से की है और ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे, तो मुझे एक फर्स्ट ईयर वाले के औकात और एक फर्स्ट ईयर वाले की अकलमंदी का जो है ना अंदाज़ा हो गया। और अभी भी जब भी मैं अकबर भाई को देखता हूँ तो मुझे वो बात याद आके जो है ना मुझे शर्म आती है। एंड दैट वाज द फर्स्ट मेमोरी आई मेड इन अयूब मेडिकल कॉलेज एक फूल बन के। कॉलेज स्टार्ट होने से पहले मैंने फेसबुक पे एक फ्रेंड बनाया हुआ था, मेरा क्लास फेलो, उसने हमारे क्लास का ऑफिशियल ग्रुप बनाया हुआ था तो और हमने जो है ना मैसेंजर में डिसाइड किया हुआ था कि हम दोनों जो है ना साथ रहेंगे एक ही रूम में। तो जब हम आए पहला दिन था हमारा, हमें रूम जो अलॉट हुआ वो जो है ना बिल्कुल मेस के पास था और जब हम गए उस रूम को साफ करने तो वहाँ पे एक भाईजान आए, हमें कहते हैं कि यार क्या कर रहे हो, ये तो बिल्कुल मेस के पास है, यहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता है, आप तुम लोग इस तरह करो कि ये मेड फ्लोर पर एक रूम खाली है, थोड़ा सा गंदा है लेकिन खाली है, अपने लिए ये साफ करो और उधर शिफ्ट हो जाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो हमने कहा कि फर्स्ट ईयर वाली या तो सारे मेस में है या जो है ना टॉप फ्लोर पे है, हमें जो है ना मेड फ्लोर पे रूम मिल रहा है, ये तो गुड सीन हो गया जी। तो हम गए वहाँ, वो रूम साफ करने लगे और वो रूम जो है ना लिटरली इतना गंदा था कि हमें 3 घंटे लगे साफ करने में। और जब हमने रूम साफ किया हमने कहा आप जाके कारपेट लेके आते हैं, कारपेट लेने जब गए और कारपेट लेके आए
तो हम क्या देखते हैं कि उसी रूम में वही भाईजान शिफ्ट हुआ है जिन्होंने हमें कहा था कि ये रूम खाली है। वो रूम उनको अलर्ट हुआ था, सिर्फ हमसे साफ कराना चाहते थे। जो गांव में बड़े डॉक्टर बन के फिर रहे होते हैं ना, उनके साथ यहाँ आके ये सीन्स होते हैं। तो खैर ये रैगिंग पूरे एक महीने तक चलती रही एंड वी अ काइंड ऑफ स्टार्टेड गेटिंग यूज टू इट। रोज जो है ना 3 से 4 घंटे तक हमारी रैगिंग होती थी हॉस्टल में। लेकिन अयूब में जो रैगिंग होती थी उसकी 2 बड़ी अच्छी बातें होती थी। पहली बात तो ये थी कि जब तुम्हारे साथ रैगिंग हो जाती थी, रैगिंग ख़त्म हो जाती थी, जो वो तो उस महफिल में जितने भी लोग बैठे होते थे, जितने सीनियर्स, तुम उनके बारे में जो है ना कुछ भी कह सकते हो और वो जो है ना माइंड नहीं करेंगे। तो जो बंदा जिस ग्रुप में हमें ज़्यादा तंग करता था, ज़्यादा रैगिंग करता था, उस बंदे को हम टारगेट करके आखिर में फिर उसको जलील करते थे और बाकी जितने भी लोग होते थे वो सब उस पर हंसते थे। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात थी और वो माइंड भी नहीं करते थे, मतलब फ्री हैंड दे देते थे तुम्हें कि कुछ भी कह दो इसके बारे में। दूसरी जो बहुत अच्छी बात थी वो ये थी कि जब कोई सीनियर तुम्हारे साथ रैगिंग करता है ना, तो वो उसके बाद तुम्हें एक टाइम का खाना खिलाता था और वो भी तुम्हारी मर्जी का, लाइक तुम कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर कर लो वो तुम्हें खिलाएगा। ये एक किस्म की ट्रेडिशन है हमारे अयूब मेडिकल कॉलेज की। इसका ये था कि मतलब पूरे एक महीने तक हम सीनियर्स के पैसों से खाते रहे और जो दिल करता था वो ऑर्डर करते थे। बस हमें सिर्फ बोलना होता था कि ये चीज़ मैंने खानी है और सीनियर्स जो है ना हमें खिलाते थे। रैगिंग में क्या बातें होती थी वो तो खैर मैं यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना बता दूंगा कि आई नेवर एक्सपेक्टेड हियरिंग सच वर्ड्स फ्रॉम डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स। लेकिन खैर वो बातें जो है ना ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये बातें हमें जाके सेकेंड ईयर में पता चला कि ये ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हमने खुद जूनियर्स के साथ वो बातें करना स्टार्ट किए। खैर एक महीना गुजर गया, रैगिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी और हमारा जीए का स्टेज था, जनरल एनाटॉमी में पढ़ रहा था, लाइब्रेरी में बैठा हुआ था कि उस वक्त मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई। उस वक्त फाइनल ईयर में एक भाई जानते आतिफ भाई, वो मेडिसिन पढ़ के बोर हो गए थे, तो उसने मेरे फ्रेंड जुनेद को कहा था कि अपने क्लास के किसी कॉन्फिडेंट लड़के का नंबर दो मुझे जिसकी मैं कॉन्फिडेंस लेवल चेक करूँ। तो जुनेद ने मेरा नंबर दिया था, तो जैसे ही मैंने कॉल पिक की, आदिब भाई ने कहा मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं बोर हो गया, तुम्हारी रैगिंग करनी है तो मेरे रूम आ जाओ। एक तो उस वक्त पढ़ाई का दिल नहीं कर रहा था, मेरा मज़ा नहीं आ रहा था जनरल एनाटॉमी का, और दूसरा अगर मैं ना जाता उधर तो भाईजान कहते कि ये डर गया। तो इसलिए मैंने कहा कि ओके आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स। अंग्रेजी बोला लौंडा, और वो भी फाइनल ईयर के भाईजान को, ओके आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स। तो मैं उनके रूम गया, वहाँ पे नॉक किया, जब अंदर गया तो एक बहुत बड़े से भाईजान बैठे हुए हैं हेल्दी से, और बड़ी बड़ी मूंछें हैं उनके, और हाथ में जो है ना सिगरेट है, और गोद में जो है ना डेविडसन पड़ा हुआ है। तो जैसे ही मैं अंदर गया तो मुझे कहते हैं ओके आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स। हाँ मैं शाम को 7 बजे गया था उनके रूम, और सुबह 7 बजे 12 घंटे बाद मैं वहां से भाग गया, उन्होंने नहीं छोड़ा, मैं भाग गया वहां से। उन 12 घंटों में भाईजान ने जो मुझे मेंटली टॉर्चर किया ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। खुद जो है ना मेडिसिन पढ़ रहे थे बैठ के, और मुझे पता नहीं किस किस चीज़ों को काउंट करने में लगाया हुआ था जिसमें घंटों लग जाते थे, और मुख्तलिफ चीज़ों के जो है ना लेंस मैयर कराए मुझसे मुख्तलिफ कंडीशंस में। और सुबह भी 7 बजे उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, मुझे भेजा उन्होंने पानी लाने के लिए, और जब मैं नीचे गया तो वहाँ से मैं भाग गया, वापस आया ही नहीं। और फिर पूरे 1 साल तक उन भाईजान से जो है ना मैं चुपता रहा। तो ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो अभी बच्चे हैं जो इस साल आ रहे हैं, जो बड़े खुश होंगे, तुम लोग बस दुआ करो कि इस बार जब तुम लोगों के एडमिशन्स हो उस टाइम हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे हो, वरना हम तुम लोगों का वो हाल कर देंगे ना कि पूरी ज़िंदगी के लिए अगर नहीं तो एटलीस्ट 5 साल तक तुम लोगों को याद रहे। अच्छा तो नेक्स्ट स्टोरी में मैं आप लोगों को सुनाऊंगा कि हाउ आई मेट फ्रेंड्स, माहौल के क्या नेगेटिव असरात हुए मुझ पे, एंड हाउ आई गॉट अ चांस टू डेट अ गर्ल, उसके बाद एग्जाम्स में क्या हुआ, ये सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टोरी में सुनाऊंगा। लेकिन उसके लिए हम इस वीडियो पे टारगेट रखते हैं कि 120 लाइक्स आने चाहिए। जिस दिन इस वीडियो पे 120 लाइक्स आएंगे उस दिन मैं आपको तीसरी स्टोरी सुनाऊंगा, एंड आई विल सी यू इन दैट वीडियो। अंटिल देन, take care of yourself.
अल्लाह हाफिज़।